उजड़े से ख्वाब की ताबीर हूँ, टूटे अल्फाज की तहरीर हूँ। आपको क्या लगता है कि आप मुझे मजबूर करेंगे और मैं हो जाऊंगी? आपकी वजह से मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दी और मेरे दामन पे बदकिरदारी का दाग लग चुका है। और आप क्या चाहते हैं, मैं आपसे शादी करके लोगों का शक यकीन में बदल दूं? खैरत, कोई कुछ नहीं कहेगा, ये आपकी अपनी जिंदगी है। अगर दुनिया वालों को सोचेंगी तो आप खुश कैसे रहेंगी? तू इनसे कहा किसने था ये काम करने के लिए? मैंने बहुत मना किया था कि घर के काम आप ना किया कीजिए, लेकिन कहां सुनती है मेरी ये। अच्छा आप मुझे ये बताइए, अगर मैं ये काम ना करूं तो फिर और कौन करेगा? एक तो भला करो, ऊपर से फिर बातें भी सुनो इनकी। आए क्या बताऊं अनाया, मेरी तो जिंदगी अजाब में आ गई, ना जाने कब जान को सुकून मिलेगा। क्यों, क्या हुआ आपकी? अब तो खिरत भी नहीं है और अब जैसा चाहती थी वैसा हुआ, फिर आप क्यों परेशान है? अरे कहाँ वैसा हो रहा है भाई, मैंने तो सोचा था नईम वापस आएंगे, यहाँ कोई कारोबार शुरू करेंगे तो जिंदगी में सुकून आएगा, ना जाने क्यों ये हादसा भी नईम के साथ ही होना था। वाकई आपी, किसे पता था कि नईम भाई अर्श से फर्श पे आ गिरेंगे, और ऊपर से यहाँ किसी को हमारा एहसास भी नहीं है। इस बात ने नईम को बहुत हर्ट किया। खालू जान ने नईम के साथ बहुत बुरा किया, और रही सही कसर खाला जान ने पूरा कर दी। अरे क्या हो जाता अगर वो अलीना का हिस्सा नईम को दे देती? भाई जब हमारे हालात बेहतर होते तो हम वापस कर देते सारी रकम। आपने अलीना का बिहेवियर देखा है, इतना रूड हो गया, मुझे तो शादी की मुबारकबाद तक नहीं दी। अरे रूड कहाँ, उस्मान से डरती है कि कहीं वो उससे नाराज ना हो जाए। ना जाने उस्मान ने क्या अलीना को घोल के पिला दिया, हर वक्त उस्मान और खैरत का नाम लेती रहती है। आप भी उसके शोहर के पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो अपना स्टेटस बना सके, तो जाहिर ही बात है अपने बाप के पैसे से ही बनाएगी ना। जी नहीं, ऐसे स्टेटस नहीं बनते। वैसे मेरा दिल तो खट्टा हो गया, नहीं मुझसे कहते भी हैं जाओ जाके खाला जान के पास बैठ जाओ, लेकिन मैं नहीं जाती। अच्छा मुझे याद आया, खाला जान की तबीयत अब कैसी है? उनकी तो तुम ना ही पूछो, जब से बिस्तर पे पड़ी है ना जान अजाब को आ गई है मेरी। सारा दिन आवाजें देती रहती हैं लेकिन मैं भी अनसुनी कर देती हूँ। भैया कौन जाए उनके पास और घंटों सर खपाए अपना, मैं तो नहीं चाहती। खैर तुम इन बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम डॉक्टर के पास गई थी? हाँ मैं गई थी, मेरी बात हुई। अरे अंदर आए मिस खैरत। जी सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। इट्स ओके, अब बैठे प्लीज। चाय लेंगी या कॉफी? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, बस मुझे आपसे काम था। कोई मसला है? वो क्या है ना, मैंने कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं तैयार की तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ओ, तो फिर? फिर ये कि सर को मैं इनकार नहीं कर सकी, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? ये कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं आपको सिखा सकता हूँ। सच? क्या आप वाकई मुझे सिखाएंगे? Yes, of course, you can do it. पहली बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैं बहुत डरा हुआ था, फिर मैंने आईने के सामने खूब प्रैक्टिस की, अगले दिन ऐसी प्रेजेंटेशन दी कि बस। तो फिर मुझे भी सिखा दें, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। श्योर, मगर पहले हम चाय पियेंगे, उसके बाद मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन दूंगा, ठीक है? जी बिल्कुल। हाँ, 2 कप अच्छी सी चाय भेजें।
That's not fair, Dad. आपने खिरद को पहले ही दिन इतना मुश्किल टास्क दे दिया, ये आपने अच्छा नहीं किया। भाई मुश्किल के बाद ही आसानी मिलती है ना बेटा। फिर भी ये सब उसके लिए नया है, उसको नहीं पता ये सब। मैंने कहा ना वो कर लेगी। फिर भी उसे आइडिया नहीं होगा इस सब का डैड। वैसे कैफ उस लड़की में बहुत स्पार्क है, तुम देखना कुछ अरसे के बाद वो अपना मुकाम खुद पैदा कर लेगी। मुझे इस बात की हैरत है कि इतने अच्छे मिजाज की लड़की है उसे फिर भी तलाक मिल गई। कभी कभी अच्छे लोगों को कदरदान लोग नहीं मिला करते डैड। खिरद की भी यही बदनसीबी है कि उसको एक अच्छा शौहर नहीं मिल सका, जो उसकी कदर नहीं कर सका और ना उस पर एतबार। एक ना एक दिन वो जरूर पछताएगा, तुम देखना बेटा। वो पछताए या ना पछताए, मेरी वजह से उसकी तलाक हुई है और मेरी वजह से वो इतनी उदास रहती है। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं मौका देखकर उससे जरूर बात करूंगा। नहीं डैड, आप कुछ नहीं कहेंगे खिरद से। मैं नहीं चाहता कि वो जाने कि वो हमारे ऑफिस में काम करती है। मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ कैफ कि सब कुछ बता दूंगा उसे। मैं मौके की मुनासिबत से बात करूंगा और उससे पहले मैं उसके साथ दोस्ती करूंगा। अच्छा तो आपने पूरी प्लानिंग कर रखी है, हैं? अच्छा फिर बताएं कैसे करेंगे। बेटा अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, यू हैव टू वेट। डैड अब मुझे तो बता सकते हैं ना, प्लान शेयर करेंगे तो अच्छे रिजल्ट निकलेंगे प्लान के। नहीं नहीं सस्पेंस रहना चाहिए। अच्छा और एकदम मैं बता दूं तो सब कुछ हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। इंशाल तुमने अपने बालों का हाल देखा है, कैसे रूखे और बेजान हो रहे, जैसे इनमें सदियों से तेल ना लगा हो। हाँ आपको पता है कि मुझे तेल की स्मेल से अजीब सी चिड़ होती है। अच्छा जी चिड़ होती है ना, तो बस फिर गंजी होने के लिए तैयार हो जाओ। क्या हो गया, आप मुझे बद्दुआएं क्यों दे रही है? बद्दुआ नहीं दे रही बेटा, समझा रही हूँ। अगर यही हाल रहा ना तो नौबत ये भी आ जाएगी। मैं ऐसा वक्त आने ही नहीं दूंगी, मैं इसी संडे जा रही हूँ प्रोटीन ट्रीटमेंट कराने। संडे बहुत दूर है, खामोशी से बैठ के पहले तेल लगवाओ। चलो मेरी दवाएं भी न जाने कहाँ रखी है, मेरी दवा का टाइम हो गया है। चांदनी अरे मुझे दवा खानी है, मुझे खाना ला दो। मामा आपने दादी को खाना नहीं दिया? भाई सुबह यखनी पिला दी थी और दोपहर के लिए दलिया बना के रखा था, वो देना भूल गई। ये तो गलत बात है ना, आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। अरे वाह कितना ख्याल रखूं मैं उनका, हर वक्त तो आवाजें देती रहती हैं, कभी खाना खिला दो कभी वॉशरूम ले जाओ। भाई मैं साफ साफ बता दे रही हूँ मुझसे ये और ड्यूटी नहीं दी जाती। इंशाल इंशाल बेटे मेरा पानी खत्म हो गया, यही लाके दे दो। तुम कहाँ चली भाई, खामोशी से बैठ के तेल लगवाओ। मामा मैं दादी को खाना देकर अभी आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है जाने की, एक दफा गलती से भी उनके कमरे में कदम रख लिया ना तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं मामा, इस वक्त उनको मेरी जरूरत। इंशाल बस बेटा तुम इतनी मोहब्बत से खिला रही हो यही मेरे लिए बहुत है। दादी आपने काफी दिनों से अपने कपड़े नहीं बदले, हाँ प्लीज अपने कपड़े तो बदल लो। हाँ बेटा कई दिन हो गए यही कपड़े पहने बैठी, तुम्हारी माँ से कहा था कि मेरे ये कपड़े बदलवा दो मुझे नहला दो, अगर वो सुनती नहीं है मुझे ऐसा लगता है सब पर बोझ बन गई हूँ। हर शख्स मुझसे इतनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, क्या हो गया मुझको, क्यों मैं इतनी मजबूर हो गई हूँ। प्लीज आप रोए तो मत। तो और क्या करूं, ये अकेला कमरा मुझे काटने को दौड़ता है,
सारा दिन इन दीवारों को तकती रहती हूँ, शायद इन्हीं से बातें भी कर लेती हूँ। बहुत अकेलापन है, बहुत अकेलापन है, क्या मजबूरी है मेरी। खैरत, तुम्हारा यहाँ दिल तो लग रहा है ना? जी नहीं भाई, दिल क्यों नहीं लगेगा, ये तो मेरा अपना ही घर है। एटलीस्ट मुझे ये तो पता है कि मैं यहाँ से निकाल ही नहीं जाऊंगी। खैरत, मुझे बहुत अफसोस है, साहिर ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। यकीन जानो, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं सब नहीं होने देता। नहीं भाई, होने को कौन टाल सकता है, और मेरे नसीब में तलाक लिखी हुई थी तो हो गई। हम सब तुम्हारे मुजरिम हैं, हो सके तो हमें माफ कर देना। नहीं भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? सही कर रहा हूं मैं, तुम्हारे जाने के बाद हालात, पहले मेरे साथ हादसा, फिर मम्मी बिस्तर से जा लगी, तुम्हारे जाने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। नहीं भाई, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखिए, सब ठीक हो जाएगा, और अल्लाह ताला ना अपने प्यारों को ही आजमाता है, इंशाल्लाह जो कुछ भी हुआ है ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब ये सब कुछ इतना जल्दी ठीक होगा। लेकिन आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हमारे माली हालात बहुत खराब हो चुके हैं खरत, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा के अपने लिए कुछ कर सकूं, कुछ जोड़ सकूं, और ऊपर से बाबा जान ने भी मुझे घर की अरेंजमेंट का कह दिया। घर का अरेंज? समझी नहीं। वो घर बाबा जान ने तुम्हारे नाम कर दिया, मेरे हिस्से में जो भी है उससे या तो मैं घर बना लूं या नया बिजनेस स्टार्ट कर लूं, लेकिन दोनों ही काम ढंग से होते नजर नहीं आ रहे मुझे। ऐसे में अगर तुम मेरी हेल्प कर दो तो। हेल्प? मैं कुछ समझी नहीं। खैरत, अगर तुम मुझे अपने घर पे लोन दिलवा सको तो। बेटे, अब तुम आ ही गई हो तो मेरे ये कपड़े बदलवा, कई दिन से यही पहने हुए। मैं बदलवा देती हूँ आपके कपड़े। इंशान बेटा, तुम्हें तो मालूम है मैं शुगर की मरीज हूँ, शुगर के मरीजों को प्यास बहुत लगती है, और पता नहीं क्या बात है, सब लोग मेरे लिए पानी रखना भूल जाते हैं, ठंडा तो दूर की बात है, गर्म पानी भी नहीं मिलता मुझे। मैं ठंडे पानी का जग आपके रूम में रोज रख दिया करूंगी। जीती रहो बेटा, जीती रहो, खुश रहो, तुमने मेरा इतना भी ख्याल किया, मैं तुम्हें बस दुआ ही दे सकती हूँ, लेकिन तुम भी मेरे लिए एक दुआ करो, अल्लाह मियाँ मेरी ये मोहताजी दूर कर दे। आमीन। आप देखिएगा, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। बेटे, मैं ये बेबसी की जिंदगी नहीं गुजार सकती, ऐसा लगता है सब पर बोझ बन गई, अल्लाह मेरी मोहताजी दूर कर दे। मेरा क्या हाल हो गया है, मेरी चलती फिरती जिंदगी का ये हशर होना था। मैं वादा करता हूँ, जैसे ही मेरा बिजनेस स्टार्ट होगा मैं तुम्हारी पाई पाई लौटा दूंगा। लेकिन नहीं भाई, मामू जान ने तो मुझे कोई कागजात नहीं दिए, और
इस घर के कागजात तो उस्मान भाई के पास है, आप कहें तो मैं उनसे मांग। नहीं नहीं, तुम उस्मान से कोई बात मत करना प्लीज। हाँ अगर बाबा जान से जिक्र कर सको तो। लेकिन मैं मामू जान से क्या बात करूंगी, उन्होंने तो मुझसे कोई जिक्र ही नहीं किया है। तो खैरत क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उनसे ये कागजात मांग लो अपनी कोई मजबूरी बताकर, कोई बहाना करकर? नहीं नहीं भाई, सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है तो मैं चलता हूं। नहीं भाई, चाय तो खत्म कर ले। नहीं मैं चलता हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। यकीन जानो खैरत, अगर हालात बेहतर होते तो मैं यूं इस तरह कभी ना आता। उसने आपसे कहा और आपने मान लिया, आप भी ना नहीं कमाल ही करते हैं। नहीं चांदनी, खैरत झूठ नहीं बोल रही थी। तो सच भी नहीं कह रही थी? मैंने खुद खालू जान के पास चेक किया है, उनके पास प्रॉपर्टी के कागजात नहीं है। खैरत के पास है नहीं प्रॉपर्टी के कागजात, वो हमें जान पूछ के नहीं देना चाहती। हाँ तो क्यों देगी वो हमें? हमने कोई अच्छाई कोई नेकी की उस लड़की के साथ? ये क्या आप हर वक्त राग लापते रहते कि हमने उसके साथ गलत कर दिया? हमने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, और अगर कुछ गलत हुआ भी है ना उसके साथ तो वो आपकी अम्मी और भाई ने किया है। आप किस खुशी में मुझे बातें सुनाते रहते? इसलिए कि इस गुनाह में मुझे तुमने डाला है। तुमने मुझे अपनी बातों के जाल में ऐसे उलझाया कि मैं सोच ही नहीं सका कि उस मासूम लड़की के साथ कितनी ज्यादती कर रहा हूँ मैं। तो आपको उससे हमदर्दी हो रही है? अगर आपको उससे इतनी हमदर्दी हो रही है तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेते आप? चांदी खुदा का खौफ करो, कैसी बातें कर रही हो तुम? तो क्यों ना करो, उसे तो वैसे ही मर्दों को रुझाने का फन आता है, और अगर आप मुतासिर हो गए तो कुछ नई बात नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम, मेरी बेटी की जगह है वो, पागल तो नहीं हो गई तुम? देखा देखा आपने, यही करती है वो। कर दिया ना उसने आपको भी मेरे खिलाफ, ना जाने वो मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है, क्यों मुझे सुकून का सांस नहीं लेने दे रही। वो नहीं तुम पीछे पड़ी हो उसके, और खुदा के लिए मुझे सुकून से जीने दो। मैं सुकून से नहीं रहने देती, और वो जो मुकाबला करती है मुझसे, मुझे जो सुकून में नहीं रहने देती, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसका पीछा छोड़ दो तुम, तुम्हारी अपनी जिंदगी में खुद ब खुद सुकून आ जाएगा, और मुझे भी जीने दो खुदा के वास्ते। तो तुम मेरे घर को भी आग लगाने लगी? नहीं है, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। आग लगा दूंगी मैं तुम्हें। देखिए रवि साहब, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत अहम है, आपको अब खास ध्यान देना होगा। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि इस कंपनी को अच्छे प्रोडक्ट डिलीवर हो। जिस मोहब्बत से इन्होंने हमारे साथ काम करने का इरादा जाहिर किया है, भी अपना बेस्ट दें। जी सर, आप फिक्र ही नहीं करें, मैं देख लूंगा सब कुछ इंशाल्लाह। और मिस किरत, मैंने कहा था ना कोई काम मुश्किल नहीं है। नहीं सर, वो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, अगर मुझे जमीर साहब गाइड नहीं करते तो शायद मैं ये असाइनमेंट ना मुकम्मल कर पाती। Well, that's good. अगर इन्होंने आपकी हेल्प की है तो अब आपसे हमारी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई। जी। अरे नहीं सर, मैंने मिस किरत की कहाँ हेल्प की है, मैंने सर थोड़ा सा इन्हें गाइड किया था, खामोखा मुझे सारा क्रेडिट दे दिया सर। एनीवे, अगर आप दोनों ने एक दूसरे की मदद की है ये तो अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत फायदेमंद हुआ है। तो फिर हम दोबारा मिलेंगे। जी सर, थैंक यू। अच्छा मिस खैर,
एक बात तो बताइए, आपको कॉफी बनाना आती है? जी। तो फिर एक कप कॉफी बना दीजिए, शिद्दत से जरूरत है। जी, अभी लाती। थैंक यू। नहीं निभाया, आप समझ रहे होंगे क्योंकि बीमार होकर बिस्तर पे पड़ी तो मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। अब तुम ही हमें इस मुश्किल से निकाल सकते हो, प्लीज हमारी मदद करो। क्या हुआ भाभी, कुछ कुछ बताए तो मुझे। वो तो मैं तुम्हें मिलकर ही बताऊंगी, कल मैं तुम्हारे ऑफिस आ रही हूँ। उजड़े से ख्वाब की ताबीर हूँ, टूटे अल्फाज की तहरीर हूँ, हाथों की लकीरों से, रिश्तों की जंजीरों से मैं हार गई, दर्दा दिमाग।